नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका दूरवा के इस खास प्रयोगात्मक कार्यक्रम ज्योतिष जराहटके में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। दूरवा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय, एक बार हमारे साथ बोलिए गणपत बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान गणेश का महोत्सव चल रहा है, गणपति पर्व चल रहा है और ऐसे में दूरवा का खास प्रयोग आपके जीवन में एक अलग तरह की खुशी लेकर के आएगा, एक अलग तरह का आनंद लेकर के आएगा। दूरवा जिसे हम घास कहते हैं, दूब भी इसका नाम होता है, वैसे तो संस्कृत में दूरवा है। भगवान गणेश के उदर में उठ रही एक तीव्र ज्वाला को, अग्नि को इस दूरवा ने शांत किया था, तब से भगवान गणपति को दूरवा अति प्रिय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु का डायरेक्ट कनेक्शन दूरवा से होता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से महाशीतल तत्व प्रधान दूरवा अपने आप में ही विलक्षण है, पुष्टि दाता दूरवा माना जाता है। महाराणा प्रताप के विषय में भी कहा जाता है कि इसी घास की रोटी वो खाते थे जब जंगलों में छिपे भाग रहे थे, प्रसंग आता है। आज इसी दूरवा का एक अलग प्रयोग हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तीन ग्रहों का इसके साथ गहरा संबंध जोड़ते हुए तीन ग्रहों की शांति और उनके सुधार के विषय में बताएंगे। दूब घास के द्वारा कैसे ग्रहों को शांत किया जा सकता है, यह जानकारी आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। इसे समझना अति अनिवार्य है और उपयोगी है। दूब घास से आप क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। वो तीन ग्रह कौन से हैं अब ये जान लीजिए, और उन्हें तीनों ग्रहों को सुधारे कैसे अब बताइए, ग्रह बिगड़ते कैसे हैं, एक बड़ा प्रश्न पहले ये उठता है। पहले तो तीनों ग्रहों का नाम ले लीजिए, जान लीजिए आप। सबसे पहला ग्रह राहु, नंबर दो सूर्य, नंबर तीन चंद्र। राहु कहीं पर भी केंद्र में बैठने पर नाश कर देता है, कुछ एक मामलों में तो एकदम से सपाट फिनिश शून्य माइनस कर देता है। जीवन में जितने भी दुखियारों को आप देखेंगे उनके केंद्रेश के साथ या तो राहु होगा या केंद्र में अर्थात केंद्रस्थ राहु होगा, ये अंतिम सत्य है। यहां तर्क आप लोग कुछ देते हैं जो ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, वो किसी किसी महापुरुष की कुंडली लेकर के आ जाते हैं, जैसे कोई मोदी जी की कुंडली बोलता है, कोई अंबानी की कुंडली बोलता है, तो कहीं अमिताभ बच्चन की कुंडली लेकर आ जाते हैं, तो कहीं राम की कुंडली लेकर आ। ये सब देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, किसी की भी कुंडली आप उनके जन्म के समय पर प्रसव कक्ष में तो थे नहीं, जब जन्म हो रहा था, जिसका आप नाम लेना चाहते हैं, आप प्रमाणित जन्मांक लीजिए। प्रमाणित अर्थात जिसका कन्फर्म है, जैसे आपके बच्चे हैं, आप हैं, मम्मी पापा हैं, ननिहाल के लोग हैं, ससुराल के लोग, जिनको आप जानते हैं, जिनका टाइम ऑफ बर्थ आपको कन्फर्म पता है, उनकी बात करिए आप। इंटरनेट पे गूगल पर सर्च करके कुंडली सर्च करके निकालना वो सब सिर्फ तुक्का है, या तो सर्टिफिकेट के जो बर्थ डिटेल्स होते हैं उनके आधार पर कुंडलियां बना दी जाती हैं, वो तुक्का है। मैं उन जन्मांकों को पूरी तरह से खारिज करता हूं, किसी कीमत में मैं उसको मानता नहीं। इतनी सारी किंवदंतियां उसमें होती जिसकी कोई कल्पना नहीं। मैंने खुद देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो सेलिब्रिटीज हैं जो जन्मांक दिखाए हैं, उनका एक्चुअल कुछ और होता है और नेट पे कुछ और पड़ा रहता है, तो प्लीज आप ऐसे कुतर्क लेकर के मत आइएगा। खैर, तो राहु सूर्य और चंद्र इन तीन ग्रहों की चर्चा बैलेंसिंग के आधार पर, सुधारने के आधार पर आज हम करने जा रहे हैं।
दुर्वा का प्रयोग, तीनों ग्रहों का नाम हमने ले लिया, राजा रानी और राहु शनि का सेनापति। इस रूप में आप इसको कैसे सुधार सकते हैं, सिर्फ दुर्वा का प्रयोग हम बताते हैं और आनंद उठाइएगा, महा आनंद उठाइएगा, अद्भुत प्रयोग। अब यहां पर मूल इन ग्रहों से दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत इन ग्रहों के कारण, इन तीन ग्रहों की उपस्थिति पितृ ऋण और प्रेत बाधा को बल देता है। पितृ ऋण और प्रेत बाधा, बचना कैसे है अब उस पर हम आते हैं। मूल भाव समझने की प्रयास में रहिएगा। कोई भी काम में जैसे ही ब्रेक लगा, रुकावट आया, राहु समझ लीजिए, बिना उसके संभव ही नहीं। तीन दुर्वा के टुकड़े ले लीजिए, घास यही पार्क वाली तीन, और लाल धागे में तीनों को टाइट बांध दीजिएगा, और रात में सोते हुए अपने दाहिने हाथ की इन दो फिंगर्स में उस धागे को ऐसे बांध दीजिए, सूर्य और चंद्र इन दो फिंगर्स में ऐसे, मान लीजिए जैसे हम आपको दिखा देते हैं, ये घास है, ऐसे इसमें पहले बांधा हुआ है, फिर ऐसे बांध दिया बस, और रात में सो जाइए। सुबह जब आप उठेंगे तो इसे निकालकर खोलकर घर के बाहर किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा, लगातार 5 दिन करिए, महिलाएं अशुद्धि में भी कर सकती हैं। रात में ताजा बांधना है और सुबह किसी पौधे के नीचे डाल देना है, महिलाएं अशुद्धि अवस्था में भी कर सकती हैं। 5 डेज कंटिन्यूअसली करना है, बहुत तगड़ा आनंद आएगा, इन तीन ग्रहों के बड़े से बड़ा दोष खत्म हो जाएगा। दो चीजें ध्यान देना है, किसी फिंगर में पत्थर नहीं पहनना है और नॉनवेज छोड़ के ही ये प्रयोग करना है। शुक्रिया, धन्यवाद। आज और कल 2 दिन आप लखनऊ में मिल सकते हैं, इसके बाद गाजियाबाद मिल सकते हैं, और 22 से 28 गया जी महाअनुष्ठान पिंडदान का, पितृ पक्ष का, पितृ ऋण का, भागवत के साथ। थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखने के लिए। नमस्कार, श्री कृष्णा।